गिरोह चला रहा था जिसमें से उसके लोग जंगल से सांप उठाते और फिर पार्टियों में जा कर के उनको दिखाते। ये एक एक सांप इनमें से इंडेंजर्ड स्पीशीज़ है, बहुत कम रह गए हैं और 7 साल की सज़ा है इनको छूने के लिए, रखने के लिए। यहाँ 5 लोग अरेस्ट हुए हैं, लेकिन एल्विश यादव और उसके दूसरे गिरोह के मेंबर को अरेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। मैं धन्यवाद देती हूँ पुलिस को कि उन्होंने बहुत जल्दी रिएक्ट किया था नोएडा में, क्योंकि ये यादव को कह कर के ही हम लोगों ने इनको बुलाया, यानी कि उसने इन लोगों को भेजा और ये सप्लाई करता है नोएडा में और गुड़गांव में, और होनी तो चाहिए क्योंकि संगीन जुर्म है। प्रॉब्लम ये है कि यूट्यूब में अब केवल कपड़े के बारे में बात करना, जूतों के बारे में बात करना या फिल्म स्टारों के बारे में बात करना, ये सब लोग कर रहे हैं। तो अब कुछ लोग हैं जो कानून तोड़ने के लिए तैयार हैं, अपनी TRP बढ़ाने के लिए, देश के खिलाफ जाने के लिए तैयार हैं, TRP बढ़ाने के लिए। ऐसे लोग देशद्रोही हैं, उनको पकड़ना चाहिए। कौन कौन से सांप पकड़े? पाइथन्स और कोबराज।